अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। वाशी में महाविकास आघाड़ी का मनोमिलन सम्मेलन, टिकट बंटवारे पर अजीत पवार ने दी सलाह, कॉम्प्रोमाइज कर लड़े एनएमएमसी चुनाव। नवी मुंबई में होने वाले मनपा चुनाव के मद्देनजर मंगलवार को वाशी के विष्णुदास भावे ऑडिटोरियम में महाविकास आघाड़ी ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में डिप्टी सीएम अजीत पवार ने कार्यकर्ताओं से कॉम्प्रोमाइज कर नवी मुंबई मनपा चुनाव लड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए महाविकास आघाड़ी की स्थापना सभी मतभेदों को भुलाकर की गई है, इसलिए नवी मुंबई में भी मतभेदों से ऊपर उठकर चुनाव जीतने की मेहनत करनी होगी। उप मुख्यमंत्री ने नवी मुंबई के समस्याओं का जिक्र करते हुए एनसीपी छोड़ भाजपा में गए गणेश नाइक पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि गणेश नाइक के कारण ही नवी मुंबई के प्रकल्प ग्रस्तों की समस्याएं लंबित है, लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार ने नाइक के एकाधिकार एवं हुकुमशाही को खत्म करने का फैसला लिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को अफवाहों से बचने और एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया है। पहिल्यांदा आपल्याला नव्या मुंबई मध्ये असणारी जी हुकुमशाही एकाधिकारशाही आहे ही त्या ठिकाणी बाजूला करायची, आणि ती बाजूला करत असताना थोडंस प्रत्येक राजकीय पक्षाला पुढे मागे सरकावं लागलं, कार्यकर्त्यांना सरकावं लागलं, तरी त्याच्यामध्ये तुमची मानसिकता असली पाहिजे। आपल्या विरोधामध्ये जे पक्ष उभे राहणार आहेत त्यांच्यामध्ये एकामध्ये देखील तशी ताकद नाही। तुम्ही सरळ त्यांना म्हणा, हे काय बाबा सिडकोचा प्रश्न सोडवशील का? ते म्हणतील नाही आता माझी सत्ता नाही, मग सत्ता नाही तर बाजूला बस म्हणायचं। किंवा बाबा इथल्या घरांचा प्रश्न सोडवशील का? काही ते सोडू शकणार नाही। माग सत्तेवर असताना देखील त्यांना सोडवता आले नाही, ह्यांच्यामुळेच नाही सुटले, आता मात्र आपल्यामुळे सुटणार आहे हा विश्वास तुम्ही त्या ठिकाणी ठेवा, आणि ह्याच्यात आता इथून पुढे नव्या मुंबईला चांगले दिवस येणार आहे। अनेक वेगवेगळी लोक महापौर होतील, उपमहापौर होतील, स्थायी समितीचे चेअरमन होतील, सभागृह नेते होतील, फक्त नाईक होणार नाही। काही झालं तर नाही, लोक कधी कधी मला म्हणायचे की बाबा काय चाललं, दुसरी काय आडनावं आहेत का नाही? इथं तसं नाही, आता जे कोणी तुम्ही राहता त्या सगळ्यांना तिथं मिळेल, आपण अजिबात काळजी करू नका। परंतु काम करत असताना ज्या प्रकारे आम्ही जाहीरनामा तिन्ही राजकीय पक्षाचा एकत्र सादर करू, त्या जाहीरनाम्याची जसा आता कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या तिन्ही राजकीय पक्षांनी एकत्रपणे मांडलेला आहे आणि त्या दिशेने हे सरकार चाललेलं आहे, तशा प्रकारे आपल्याला प्रश्न सोडवायचे। बता दे की संमेलन में पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, मथाड़ी नेता शशिकांत शिंदे, जयंत पाटिल, मंत्री अशोक चव्हाण एवं विश्वजीत कदम समेत सभी नेताओं ने गणेश नाइक पर चौतरफा हमला बोला और नवी मुंबई में सत्ता हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की। यहां शिवसेना उपनेता विजय नाहटा, सांसद राजन विचारे, कांग्रेस एनसीपी जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक और अशोक गावड़े, जिला प्रमुख विठल मोरे, द्वारकानाथ भोईर समेत तमाम स्थानीय नेता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।